बेटा देखो, हार्मोन्स जो हमेशा इंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हार्मोन्स को छोड़ के जितने भी और सिक्रीशन बॉडी में है सब एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। तो हार्मोन्स जो हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड से। आपकी एनसीईआरटी में इसकी डिफिनेशन जो है, मैं वो पहले सबसे लिखता हूँ। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने सबसे पहले लिखा है, इसकी पहले डिफिनेशन आप देख लें, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में जाके। एनसीईआरटी ने सबसे पहले इसका पहला नेचर लिखा है कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट मतलब ये हुआ कि हार्मोन्स जो हैं किसी भी तरह का न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं देते हैं। ये देखिए, नॉन न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, और आगे देख लें, इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पहले वही ले देता हूं मैं। इंटरसेलुलर मैसेंजर तीसरी डिफिनेशन देखिए, एंड सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट, एंड सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट। ये एनसीईआरटी की डिफिनेशन है। तो अगर आप इस डिफिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इसमें हार्मोन्स की तीन कैटेगरी क्लियर कर लें। इस डिफिनेशन ने सबसे पहले ये लिखा है कि हार्मोन्स में न्यूट्रिशन नहीं होता है, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि वो इंटरसेलुलर मैसेंजर है। तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कि सिक्रीशन जो हो रहा है वो ट्रेस अमाउंट में हो रहा है, बहुत ही थोड़े अमाउंट में हो रहा है। इस तरह से अगर आप देखें तो एनसीईआरटी ने इसके तीन डिफिनेशन लिखी है। ये पहला प्रॉपर्टी है, सॉरी, ये दूसरी प्रॉपर्टी है और ये तीसरी प्रॉपर्टी है। तो अगर आपको याद करना है प्रॉपर्टी में, तो नॉन न्यूट्रिएंट एनसीईआरटी के हिसाब से जो इसका ट्रेडिशनल जो डिफिनेशन है कि नॉन न्यूट्रिएंट है, सिक्रीट होते हैं वो इंटरसेलुलर मैसेंजर है और सिक्रीट होते हैं ट्रेस अमाउंट में। अगर इसी को हम लोग और अच्छे से एक्सप्लेन करें प्रॉपर्टीज के आधार पर, तो सबसे पहला लिखिए, पहली प्रॉपर्टी लिखिए, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर। हार्मोन्स आर, फट से आपने लिखा कि सर ये नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर है। नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर मतलब इनसे किसी भी तरह का न्यूट्रिशन, ये किसी भी तरह का न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर, ये मतलब बॉडी को ये किसी भी तरह का न्यूट्रिशन नहीं देते हैं। और ये बात अपनी जगह पे परफेक्ट है, हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो किसी भी तरह का सिक्रीशन जो करते हैं उनसे बॉडी को कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो आखिर क्या करते हैं वो। दूसरी बात देखिए, लिखा है कि हार्मोन्स जो है इंटरसेलुलर मैसेंजर है। इसी बात की आप समझे कि बॉडी की एक सेल से निकलते हैं, दूसरी सेल पे काम करते हैं, इसलिए हार्मोन्स को हम लोग प्राइमरी मैसेंजर ऑफ बॉडी कहा जाता है। इन हार्मोन्स को ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बॉडी की एक सेल से निकलते हैं और किसी दूसरी सेल्स पर काम करते हैं। अगर आपसे कोई कोई सेकेंडरी मैसेंजर्स कौन से हैं, तो बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर्स भी हैं। अगर आप सेकेंडरी मैसेंजर्स ऑफ बॉडी देखें कि भाई बॉडी में सेकेंडरी मैसेंजर का काम कौन करता है, तो ये बात भी एनसीईआरटी ने लिखा है। एनसीईआरटी ने इनके तीन अलग अलग नाम लिखे हैं। सबसे पहले एनसीईआरटी ने लिखा है साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये पहला सेकेंडरी मैसेंजर है। दूसरा एनसीईआरटी ने लिखा है कैल्शियम आयन, और तीसरा लिखा है IP3। ये तीन है बॉडी में जो सेकेंडरी मैसेंजर है। अगर IP3 का पूरा नाम आप जानना चाहते हैं तो इसका पूरा नाम है इनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट। तो ये आपको ये बात समझना है कि हार्मोन्स को बॉडी का प्राइमरी मैसेंजर कहा जाता है, और सेकेंडरी मैसेंजर तीन है, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम आयन और इनासिटॉल ट्राइफॉस्फेट। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, एक सेल से निकलते हैं दूसरे सेल पे काम करते हैं, इसलिए इनके नाम के पीछे जनरली ट्रॉफिक टर्म लगाते हैं। तीसरा देखिए, सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट। अगर आप देखें हार्मोन्स का जो सिक्रीशन है बहुत ही स्मॉल अमाउंट में है, ट्रेस अमाउंट में है, सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट। आपने एक डायलॉग सुना होगा, देखन में छोटन लगे घाव करत गंभीर। सिक्रीट इन ट्रेस अमाउंट बट दे आर वेरी इफेक्टिव। सिक्रीशन तो कम है लेकिन इफेक्ट ज्यादा है।
बट दे आर वेरी इफेक्टिव. जब सिक्रीशन कम हो और इफेक्ट ज्यादा हो तो इस शब्द को बायो में हम लोग कहते हैं, इस टर्म को हम लोग बायो में कहते हैं हार्मोनल मैग्निफिकेशन. अगर आपको बायो का टर्म सीखना है तो हार्मोनल मैग्निफिकेशन कहते हैं. हार्मोनल मैग्निफिकेशन मतलब ये हुआ कि सिक्रीशन तो कम हो रहा है लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो बहुत ज्यादा है. मैं आपको आगे चल के इनका जब सिखाऊंगा केमिकल्स तो आप समझ जाएंगे, डिटेल समझ जाएंगे. एक बार और देख लें, ये छोटी सी बात है. दे आर सिक्रेटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड. बहुत बेसिक बात है ये. दे आर सिक्रेटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड. हार्मोन्स का सिक्रीशन हमेशा इंडोक्राइन ग्लैंड ही करेंगी. कोई भी इंडोक्राइन ग्लैंड कभी भी हार्मोन्स का सिक्रीशन नहीं करती है, इसका ध्यान रखना है. तो दे आर सिक्रेटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड. और देखें इसके डिफिनेशंस में और भी क्लियर करें. देखें दे डू नॉट स्टोर इन बॉडी. हार्मोन्स पहले से कभी स्टोर नहीं रहते हैं. हार्मोन्स कभी भी स्टोर नहीं रहते हैं किसी भी तरह से. इसका एक एक्सेप्शन है, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी ग्लैंड है जो हार्मोन्स को स्टोर करती है. तो ये देखिए थायराइड ग्लैंड है जो थायरॉक्सिन हार्मोन को स्टोर करके रखती है. इस ग्लैंड के सिवा कोई बॉडी में ग्लैंड नहीं है जो हार्मोन्स का स्टोर करे. नेक्स्ट देखिए इसकी अगली अगर प्रॉपर्टी देखा जाए तो देखिए दे आर ट्रांसपोर्टेड बाई ब्लड स्ट्रीम. मतलब एक जगह से दूसरी जगह हार्मोन्स को अगर कभी भी जाना है तो उनको एक ही आदमी ले जा सकता है, वो हमारा ब्लड का प्लाज्मा है. ब्लड की सेल्स नहीं ले जाती हैं, ब्लड का प्लाज्मा एक बॉडी से दूसरे टारगेट ऑर्गन पे ले जाते हैं. मतलब हार्मोन्स फिर टारगेट ऑर्गन पे काम करते हैं. जैसे एग्जांपल्स अगर आप देख लें तो इंसुलिन अगर आप देखिए तो इंसुलिन हमेशा कहाँ पर काम करता है, निकलता है पेंक्रियास पे और काम करता है कहाँ, हिपेटोसाइट पे. हिपेटोसाइट किसकी सेल है, लीवर की सेल है. मतलब आप समझे निकलता है कहाँ से, पेंक्रियास से, लेकिन काम करता है हिपेटोसाइट पे. और दूसरी साइट है जिसको लोग एडिपोसाइट्स कहते हैं. एडिपोसाइट मतलब फैटी टिश्यूज. तो ये निकल के जाता है, इनको ट्रांसपोर्ट कौन करता है, इन्हें ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड स्ट्रीम. अगली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो देखिए हार्मोन्स आर नॉन रिसाइक्लेबल. मतलब अगर उनका एक बार इस्तेमाल हो गया तो दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा, उनको जो बॉडी है वो फिल्टर कर देगी. जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर आप देखें तो आफ्टर यूज, जब उनका यूज हो जाता है, हार्मोन्स का जब यूज हो जाता है, आफ्टर यूज होता है तो डिग्रेडेड बाई, अगर आप देखें तो डिग्रेडेड बाई लीवर उन्हें डिग्रेड कर देता है, और फिल्टर्ड बाई किडनी, और इन्हें किडनी जो होती है फिल्टर कर देती है. मतलब एक बार हार्मोन्स का इस्तेमाल हो गया तो दोबारा उनकी रिसाइकलिंग नहीं होती है बॉडी के अंदर, ध्यान रखना है आपको. तो हार्मोन्स आर नॉन रिसाइकलेबल मतलब आफ्टर यूज डिग्रेडेड बाय लीवर एंड फिल्टर्ड बाय किडनी. और आप देखें हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक इन नेचर. नॉन एंटीजेनिक इन नेचर मतलब ये हुआ कि हमारी किसी भी उम्र में निकलते हैं तो बॉडी इन्हें एंटीजन जैसे बिहेव नहीं करती है, इनके खिलाफ किसी भी तरह की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है. जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप किस क्लास में हैं, तो आप कहेंगे 11th में. मैं आपको बता दूं कि आपके बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन जो आपकी बॉडी में निकल रहा है, अगर आप मेल हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपकी उम्र बॉडी में 12 साल भी निकलता है. मतलब 12 साल तक टेस्टोस्टेरोन बॉडी में नहीं था, लेकिन 12वीं साल जब ये टेस्टोस्टेरोन निकला तो इसके खिलाफ किसी भी तरह का एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हमारी बॉडी नहीं करती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है. अब कितने टोटल प्रॉपर्टी हो गई. अगर एनसीईआरटी के हिसाब से प्रॉपर्टी देखिए तो नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, ट्रेस अमाउंट में निकलते हैं. लेकिन अगर हम लोग इसको और वेरीफाई करें तो नॉन न्यूट्रिएंट इन नेचर है, इंटरसेलुलर मैसेंजर है, छोटे अमाउंट में निकलते हैं लेकिन इफेक्ट जाता है, जिससे हार्मोनल मैग्निफिकेशन कहते हैं. दे आर सिक्रेटेड बाई इंडोक्राइन ग्लैंड्स,
एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं, हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, लेकिन थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जिसको स्टोर करती है, जो ब्लड स्ट्रीम के द्वारा ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स आर नॉन रिसाइक्लेबल, उनका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर वो एक बार निकलते हैं तो उनका इस्तेमाल होने के बाद आफ्टर यूज उन्हें लीवर डिग्रेड कर देता है, किडनी फिल्टर कर देती है। इसके बाद हार्मोन्स आर नॉन एंटीजेनिक इन नेचर, कभी भी निकलते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन उनके खिलाफ किसी भी तरह का जो है एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके सिवा आपको एक और प्रॉपर्टी देखें, हार्मोन्स आर कंपोज्ड ऑफ, इसको भी लिख लें, नहीं तो गलती हो जाएगी आपसे। प्रोटीन, एक तो वो प्रोटीन के बने हैं, पहली बात आप ये दिमाग में सेट करें। दूसरा अमीनो एसिड के बने हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव भी हैं, वो प्रोटीन्स के बने हैं, अमीनो एसिड के बने हैं, और देखिए लिपिड के बने हैं एंड स्टेरॉयडल हार्मोन्स भी हैं। आप एक काम करें, चाहे आप यहाँ पर लिपिड हटा के आप यहाँ पर आयोडिनेटेड कर लें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आयोडिनेटेड है मतलब हार्मोन्स जो है केवल प्रोटीन के नहीं बने हैं, अमीनो एसिड के बने हैं, आयोडिनेटेड और स्टेरॉइड्स के भी बने हुए हैं। ये इसका केमिकल कंपोजिशन की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। अगर आपसे कोई पूछे कि थॉमस एडिशन का भी नाम ले लिया जाए, आप एक महान साइंटिस्ट है, ये इतनी प्रॉपर्टी हो गई आपको दिमाग में सेट कर लेना है। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है थॉमस एडिशन, इन्हें हम लोग थॉमस एडिशन को हम लोग फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले हार्मोन्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, फादर ऑफ इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द का इस्तेमाल किया। लैटिन भाषा में हार्मोन का कोई अगर मीनिंग देखा जाए तो हार्मोन की जो ओरिजिन है वो हार्माइन टर्म से है। हार्माइन का मतलब होता है, अगर आप इसकी सामान्य लिटरल मीनिंग निकालें, इसका मतलब होता है आई एक्साइटेड, मतलब वो केमिकल जिसके निकल जाने से कोई चीज एक्साइटेड हो जाती है उसको हम लोग हार्मोन कहते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हार्मोन्स जो है केवल प्रोटीन के नहीं बने हैं, वो अमीनो एसिड के बने हैं, वो आयोडिनेटेड हैं, इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन कौन सा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आज के जमाने में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, और अगर ऐसा प्रश्न आएगा तो कोई ऐसे बेसिक्स कॉलेज होगा जहां पर पूछा जाएगा। अब वो दौर नहीं रह गया जब इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए। समय के साथ काम जो है, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ता है, क्वेश्चन की बॉडी की दिमाग की हर चीज की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ऐसे ही मेडिकल में देखिए क्वेश्चन की कॉम्प्लेक्सिटी लगातार नीट पे बढ़ती जा रही है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से संभल संभल के चलना है, बहुत ही दूर मंजिल नहीं है आपकी। मेहनत करेंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप देखिए, फर्स्ट डिस्कवर्ड जो हार्मोन है, उस फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन का नाम सिक्रीटिन है। अब पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये जो सिक्रीटिन है ये हमारी बॉडी में कहाँ पर है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, देख तो नहीं पाएंगे आप, इतने काबिल नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि सर ये एलिमेंट्री कैनाल में देखने को मिलता है। काबिल का सेंस ऐसा नहीं कि आप किसी से कमजोर हैं, मतलब ये हुआ कि अभी आप उस फेज में नहीं है, हमारे कहने का मतलब ये है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन है जिसे हम लोग सिक्रीटिन कहते हैं, वो एलिमेंट्री कैनाल से निकलता है। डिटेल अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर देखिए फर्स्ट हार्मोन, एक और आप देख लें, फर्स्ट हार्मोन सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, वो पहला हार्मोन जो लैब में बनाया गया, जो सबसे पहले लैब में बनाया गया, उस हार्मोन का नाम ह्यूमन इंसुलिन था। मतलब ह्यूमन इंसुलिन जो है इसका इस्तेमाल सबसे पहले, ये ऐसा हार्मोन है जिसे लैब में बनाया गया इंसुलिन हार्मोन को, और जब ये लैब में बनाया गया तो इस हार्मोन का नाम कंपनी ने ह्यूमिलिन रखा। मतलब ह्यूमिलिन जो है, अच्छा किस प्रक्रिया से बनाया गया, ये जो बनाया गया ये इमर्जिंग ब्रांच है बायोलॉजी की, जिसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। इसी मेथड से सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन को बनाया गया। लास्ट में आप एक बार और देख लीजिए, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम बेलिस और स्टार्लिंग नाम है। मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले तो किसी तरह से, मैं चाहता हूं कि आपकी बेइज्जती ना हो, आप बहुत ही इज्जतदार आदमी हैं। ये देखिए बेलिस और स्टार्लिंग एक साइंटिस्ट है, इन्होंने
सबसे पहले सिक्रेटिन डिस्कवर्ड किया था, फर्स्ट डिस्कवर्ड सिक्रेटिन, सबसे पहले हार्मोन जो सिक्रेटिन था उसे इन दो साइंटिस्टों ने खोजा था, इसलिए एंडोक्राइन के सिस्टम में इनका भी नाम आता है। एक बेसिक सी है बातें जो आपको है सीखनी और तब आप किसी को सिखा पाएंगे, ध्यान रहे इसका। बेटा देखो केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स पे देखते हैं, एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में आप थोड़ा आगे पीछे लिखा गया लेकिन मैं आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, ध्यान दें केमिकल कंपोजिशन ऑफ हार्मोन्स के, कि हार्मोन्स बने किसके हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पहला हार्मोन है जो अपने आप में एक अमीनो एसिड है, तो कौन सा ये हार्मोन है इसका नाम लिखिए, इस हार्मोन का नाम सर मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है, मतलब मेलाटोनिन हमारी बॉडी में एक हार्मोन है जो एक सिंगल अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड इसका ध्यान रखना है। तो पहला ये हार्मोन हो गया जो अमीनो एसिड है। दूसरा अगर आप देखिए तो हार्मोन जो है तीन तरह के हैं, अगर प्रोटीन ये हार्मोन को देखा जाए तो देखिए सबसे पहले है एक हार्मोन और देख लीजिए, पहले इसका भी काम कर लिया जाए। एक दूसरा भी हार्मोन है जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव मतलब किसी अमीनो एसिड से बना है, ताकि वो कौन से अमीनो एसिड है जिससे बना हुआ है, तो जिन हार्मोन वो अमीनो एसिड का नाम ट्रिप्टोफान है। तो अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान एसिड डेरिवेटिव में आप देखिए आपकी एनसीईआरटी ने जो हार्मोन लिखा है, इस पिछले साल नीट में पूछा भी गया था, अमीनो एसिड डेरिवेटिव का मतलब हुआ वो हार्मोन जिनके नाम के पीछे INE लगा है, वो सारे के सारे हार्मोन अमीनो एसिड हार्मोन है। जैसे ये हार्मोन देखिए एपिनेफ्रिन, अगर एपिनेफ्रिन का आप दूसरा नाम देखना चाहते हैं तो इसका नाम एडिनेलिन है। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस हार्मोन के नाम के पीछे INE लगा है, इसी का दूसरा भाई है जिसको हम लोग नार एडिनेलिन कहते हैं। तो ये हार्मोन है जो अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड से बनता है, कौन सा अमीनो एसिड, ट्रिप्टोफान है। मैं यहां लिख देता हूँ, एक हार्मोन है जिसका एक अमीनो एसिड है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन जो अमीनो एसिड है इससे अमीनो एसिड से, ये देखिए ये अमीनो एसिड है जिससे इसका निर्माण होता है। अगर आपको याद होगा तो ये एपिनेफ्रिन जो है हार्मोन होने के साथ साथ न्यूरोट्रांसमीटर भी है, तो जिन हार्मोन्स के नाम के पीछे क्या लगा होगा, INE लगा होगा, वो सारे हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन होंगे। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग और हार्मोन्स के केमिकल नेचर के बारे में देखें तो ये देखिए कि हार्मोन है जिनका नाम पेप्टाइड हार्मोन्स है, ये छोटी साइज के हार्मोन्स हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स कहते हैं इसीलिए इनको, छोटी साइज के हैं, प्रोटीन के ही बने हुए हैं। तो आखिर ये कौन कौन से हैं, अगर आप इनको देखें तो ये दो हार्मोन है, एक हार्मोन है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, साथ में से OCT कहते हैं, दूसरा हार्मोन है जिसे वैसोप्रेशन कहते हैं, इसका दूसरा नाम है ADH नाम है, ADH मतलब एंटी डायबिटिक हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन ये 9 अमीनो एसिड के बने हैं, इसलिए कभी कभी लोग इन्हें नैनोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछे तो आपको जवाब देना है, इनका फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस करता है, सिक्रेशन पोस्टीरियर पिट्यूटरी करती है, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन। तीसरा देखिए पेप्टाइड के बाद जो अगला हार्मोन है वो है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, बड़ी साइज के हार्मोन है ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स को अगर हम लोग क्लियर करें, एनसीईआरटी अगर आप झांकते रहे ध्यान से देखें, एनसीईआरटी ने सबसे पहले इन्हीं का नाम लिखा है। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन में सबसे पहले ध्यान से कैटेगरी आपको देखनी है, मैं इसको चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाए, अगर आप समझ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले वो हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से निकलते हैं उन हार्मोन्स को हम लोग हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं, मतलब हाइपोथैलेमस से निकलने वाले सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, बड़ी साइज के हार्मोन है। आपको ये पहली बात समझ लेनी है, ये समझ लीजिए सबसे पहले पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है हाइपोथैलेमस से निकलने वाले। दूसरा देखिए हाइपोफाइसियल हार्मोन, अब क्योंकि आपने कभी हाइपोफाइसियल सुना नहीं है इसलिए आपको प्रेशर होगा, लेकिन जैसे ही मैं दूसरा टर्म लिखूंगा आप फट से रिलैक्स हो जाएंगे, अच्छा सर समझ में बात आ गई। जितने भी पिट्यूटरी के हार्मोन्स हैं सारे के सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, वो हार्मोन्स जो है प्रोटीन के बने हुए हैं। इसके सिवा देखिए पैंक्रियाटिक हार्मोन्स, पैंक्रियाज से निकलने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं इंसुलिन ग्लूकागन सबके साथ हार्मोन्स जो होते हैं पैंक्रियाटिक हार्मोन सबके सब जो है प्रोटीन के बने होते हैं।
और भी देख सकते हैं आप। इसके सिवा एक हार्मोन है जिसका नाम है थायरोकैल्सिट्रोनिन, आप ध्यान रखेंगे ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, प्रोटीन का बना हुआ है और थायराइड ग्लैंड के पैराफॉलिकुलर सेल से निकलता है, ये भी प्रोटीन या हार्मोन है। तो ये सारे हार्मोन है जो प्रोटीन के बने हैं, हाइपोथैलेमिक, हाइपोफाइसियल, पैंक्रियाटिक हार्मोन और थायरोकैल्सिट्रोनिन, सारे के सारे हार्मोन प्रोटीन के बने हुए। अब आप देखिए ध्यान से देखेंगे तो ये कैटेगरी प्रोटीन्स वाली है। दूसरी देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये हार्मोन है जिन्हें हम लोग आयोडीन डेरिवेटिव हार्मोन कहते हैं, या हम लोग इसे डायरेक्ट ले सकते हैं कि आयोडिनेटेड हार्मोन्स है। आयोडिनेटेड हार्मोन्स मतलब ऐसे हार्मोन्स जिनमें आयोडीन पाई जाती है। आयोडीन जैसे ही शब्द आता है आपका कान खुल जाता है, दिमाग का कैनवास खुलता है, आप सोचते हैं अरे सर ये तुमको लग रहा है थायराइड ग्लैंड का, बिल्कुल जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। ये दो तरह के हार्मोन है, एक T3 है, इसका पूरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन है। ये देखिए इसमें आयोडो टर्म खुद ही लगा है। इसका एक छोटा भाई और है जिसका नाम T4 है, इसका पूरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। ये देखिए इसी टेट्रा आयोडोथायरोनिन का T4 का दूसरा नाम थायरॉक्सिन है। ध्यान रखेंगे जब आप थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे तो आपसे पूछा जाएगा थायरॉक्सिन नाम किसका है, तो आप बताएंगे थायरॉक्सिन जो है T4 का नाम है, T3 का नाम नहीं है। तब आप देखिए पहला कौन सा हार्मोन हो गया, अमीनो एसिड का बने हैं, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, पेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड है, आयोडिनेटेड है। अगर कैटेगरी देख लिया जाए तो ये प्रोटीन का हो गया, ये पूरे पूरे हार्मोन प्रोटीनियस हो गए, ये जो है आयोडिनेटेड हो गया। तीसरा हार्मोन देखिए, तो जो तीसरे हार्मोन है वो सारे हार्मोन स्टेरॉयडल है, स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। ये देखिए स्टेरॉयडल हार्मोन्स है। अगर स्टेरॉयडल हार्मोन्स है तो आप इनके बारे में कॉन्सेप्ट सीखे कि देखिए आयोडिनेटेड और स्टेरॉयडल हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए इनको सेकेंडरी मैसेंजर की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। जबकि ये सारे हार्मोन्स जो इनके रिसेप्टर फाइबर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं, इसलिए इन सारे हार्मोन्स को सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। अगर आप स्टेरॉयडल हार्मोन्स देखते हैं तो आप चाहे एक बार और क्लिक लें कि सर ये जितने भी हार्मोन्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है, ऐसे आप लिख लेंगे शायद ज्यादा अच्छा हो जाएगा। आप लिखिए सर कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव है। हम आपको डिटेल में एक एक हार्मोन का एक्सप्लेनेशन सिखाएंगे, उसके केमिकल नेचर के बारे में सिखाएंगे, लेकिन उसके पहले आप इनके नाम सीखने का प्रयास करें। सबसे पहले देखिए नाम मैं लिख देता हूं, ये देखिए ज्यादातर सेक्स हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन, जितने भी सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन मतलब जो सेक्सुअल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन निकलते हैं, सबके सब स्टेरॉयडल हार्मोन होते हैं। सबसे तेज काम भी यही करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हो गया, फिर देखिए एस्ट्रोजन हो गया ये ओवरिस निकलता है, और प्रोजेस्टान हो गया ये भी ओवरिस निकलता है। एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टान हो गया, अगर आप इसका नाम और वेरीफाई करना चाहते हैं तो ये देखिए ये तो हार्मोन है जो ओवरिस निकलते हैं, ऐसे याद कर लीजिए। ये हार्मोन है जो टेस्टिस से निकलता है, ऐसे याद कर लीजिए। ये देखिए टेस्टिस निकलते हैं, ओवरिस निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। इसके सिवा और भी हार्मोन हैं जो स्टेरॉयडल हार्मोन है, जैसे एक नाम आप देखिए कॉर्टिसोल है, ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। एक हार्मोन और नाम है रेनिन एल्डोस्टेरोन नाम है, एल्डोस्टेरोन नाम है। ये दो हार्मोन है स्टेरॉयडल है, ये दोनों हार्मोन स्टेरॉयडल है, इसका ध्यान रखना है। और ये स्टेरॉयडल हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स से निकलते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो अब हार्मोन आपके सामने कितने तरह के हैं, मोटे मोटे देखे जाएं तो ये प्रोटीनियस हार्मोन का पूरा कॉन्सेप्ट है, ये आयोडिनेटेड हार्मोन है और स्टेरॉयडल है। तो आयोडिनेटेड और स्टेरॉयडल हार्मोन के जो रिसेप्टर है ये कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में, जबकि प्रोटीन के हार्मोन का जो रिसेप्टर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। तो जब जहां पर रिसेप्टर न्यूक्लियस में होगा वहां सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि इन सारे हार्मोन्स के लिए सेकेंडरी मैसेंजर की जरूरत पड़ती है। तो ये हो गए इनके केमिकल नेचर के बारे में। आपकी एनसीईआरटी ने इन सारे लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसलिए आपको भी अच्छे से इन चीजों का एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। इसके सिवा और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सीखनी है इस चैप्टर में। टर्मिनोलॉजीज क्या है, सबसे पहले आप टर्मिनोलॉजी सीख लें, फिर देखा जाएगा, पढ़ाएंगे हम आपको डिटेल में। सबसे पहले कुछ शब्द आप सीख लें। एक शब्द होता है बायो में, जैसे एक शब्द होता है ग्लाइकोजेनेसिस,
ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस एक टर्म है। इन सारे शब्दों पहले आप मीनिंग समझ लें। ग्लाइकोजेनेसिस माने हुआ कि जब हमारी बॉडी में जब ग्लूकोज एक्सेस हो जाता है, एक्सेस ग्लूकोज हो जाता है, तो ये ग्लूकोज जो होता है हमारे लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है। जब ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये डिपॉजिट होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। ये मतलब हुआ जो है ग्लाइकोजेनेसिस का। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजिनोलिसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस ये दूसरा है। अगर आप ध्यान से देखिए तो ग्लाइकोजन की लिसिस लिख रहा है, ये ग्लाइकोजन टूट रहा है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसको एक्सप्लेन करें कि भाई देखिए सर, जब बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है तो यही ग्लाइकोजन टूट के फिर से ग्लूकोज देता है और ब्लड में ग्लूकोज के लेवल फिर से हाई हो जाता है, ये दूसरा है। तीसरा स्टेप है, ये सारे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सीखनी है। तीसरा जो है आपको एक टर्मिनोलॉजी सीखनी है जिसका टर्मिनोलॉजी का नाम है ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखिए ग्लूकोनियोजेनेसिस ये एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखनी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसका मतलब ये हुआ कि जब नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्स से प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए, अगर लिपिड से और प्रोटीन से इन दोनों चीजों से अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी है लास्ट में आप देख लें, चौथी टर्मिनोलॉजी है। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब हुआ ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस होता है, इस प्रक्रिया का मतलब समझें आप। इसका मतलब ये हुआ कि जब लैक्टिक एसिड से किसका फॉर्मेशन हो जाए, लैक्टिक एसिड से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा इस साइकिल को हम लोग कोरी साइकिल कहते हैं। तो इनमें आप ध्यान से देखिए तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जिनमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा रही हैं, कुछ प्रक्रियाएं हैं जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटा रही हैं। जैसे अगर आप देखें तो इन तीनों रिएक्शंस में ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है, लेकिन पहले वाले भी ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ लेवल घट रहा है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जिनको हम लोग सीखना पड़ता है। जैसे पहला होगा हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन। ये पहले ऐसे हार्मोन की कैटेगरी है, आपकी एनसीईआरटी में बोर्ड के लिए भी काम आती है, पीछे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, इसलिए आपको इसकी मीनिंग आती है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हाइपरग्लाइसिमिया क्या है। हाइपरग्लाइसिमिया मतलब होता है जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो उसे हाइपरग्लाइसिमिया कहते हैं। ये वो हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाते हैं। किस लेवल को बढ़ाते हैं, नॉर्मल लेवल या घटे हुए लेवल को? एक घटे हुए लेवल को बढ़ाते हैं नॉर्मलाइज करने के लिए। तो अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे दैट इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं वो सारे हार्मोन जो होते हैं, उन सारे हार्मोन के लेवल को, सारे हार्मोन्स को हम लोग कौन सा हार्मोन कहते हैं, देखिए हाइपरग्लाइसिमिक हार्मोन कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से हार्मोन है, एक तरफ से लिखना शुरू करिए, जीएच मतलब ग्रोथ हार्मोन के बाद दूसरा हार्मोन है थायराइड के जितने भी हार्मोन है, थायरॉक्सिन जो भी है ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एडिनेलिन ये भी ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, एडिनेलिन और एक नाम और लिख लीजिए ताकि आपको याद हो, ग्लूकागन ये वहां से निकलता है, पैंक्रियास से निकलता है। तो आप देखिए ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, एडिनेलिन और ग्लूकागन। ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से, एडिनेलिन हार्मोन एडिनेलिन ग्लैंड से, ग्लूकागन हार्मोन पैंक्रियास से। ये चारों अलग अलग ग्लैंड से निकलते हैं और ब्लड के घटे हुए ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देते हैं। जब आप सुबह प्रेयर में खड़े होते हैं और उस टाइम आपकी क्लास में कोई बच्चा धड़ाक से गिर जाता है बिना खाए पिया हुआ होता है, तो आप समझ जाते हैं सर उसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिर गया है। लेकिन कुछ देर बाद जब बच्चा उठ के बैठ जाता है तो इसका मतलब उसमें ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। तो किसने हाई किया, ये लोग हैं जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को घटे हुए लेवल को बढ़ाते हैं ताकि वो ब्लड का ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाए। इसलिए इन हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसिमिक। एक दूसरा हार्मोन है इसी की दूसरी कैटेगरी है जिसे हम लोग हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन कहते हैं, हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन। अब मुझे लगता है आपको समझ के ये बात आई हो गई होगी कि हाइपोग्लाइसिमिक हार्मोन क्यों कहेंगे। अगर वो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है तो बढ़े हुए ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, अगर आपको लिखना होगा दैट डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल।
यहाँ पर आपको ये बात जरूर सीखनी है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का मतलब क्या हुआ, किस ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को घटा रहा है, उस ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को घटा रहा है जिसका लेवल हाई है। अगर ये हार्मोन नहीं रहेगा तो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल बढ़ता जाएगा, और ऐसे व्यक्ति में जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल एक स्थिति से ज्यादा हो जाएगा तो किडनी इसे फिल्टर कर देगी। तो कौन है जो बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को घटाता है, आपने ऑलरेडी पढ़ा है इसकी चर्चा, हर आदमी जानता है इंसुलिन है। मतलब इंसुलिन क्या करता है, जो बढ़ा हुआ ब्लड का ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मलाइज कर देता है। फिर देखिए तीसरा हार्मोन है, इसी की एक कैटेगरी में है ये, देखिए एक है हार्मोन हम लोग कहते हैं एंटागोनिस्टिक हार्मोन, एंटागोनिस्टिक हार्मोन। एंटागोनिस्टिक हार्मोन माने जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन क्या है, जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे थे, ये घटा रहे थे, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हो गए। एंटागोनिस्टिक हार्मोन मतलब फंक्शन इनके अपोजिट होते हैं। जैसे मैं नाम लिख देता हूँ, इंसुलिन का जो एंटागोनिस्टिक है वो ग्लूकागन है, ये पहला आप समझें। इंसुलिन का एंटागोनिस्टिक कौन है, ग्लूकागन। ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटाता है, ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। और देखिए पीआरएल का जो एंटागोनिस्टिक है वो जीएनआरएच है, हम आपको इसका डिटेल सिखाएंगे। जीएनआरएच का पूरा नाम गोनेडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन है, पीआरएल का नाम प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है। ये भी एक एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, इसको भी आपको सीखना है। और भी बहुत सारे एंटागोनिस्टिक हार्मोन है, हम जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे अपने आप चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी आप सिर्फ दो नाम सीखे जो आपके काम लायक है, फिर हम आपको डिटेल सिखाते हैं। एक नाम और होता है जिसे हम लोग कहते हैं सिनर्जिस्टिक हार्मोन। ये टर्मिनोलॉजीज में जो आपको सीखनी है, मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा भाई सिनर्जिस्टिक हार्मोन किसे कहते हैं, तो सिनर्जिस्टिक हार्मोन उन्हें कहते हैं जो एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टूगेदर, एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टूगेदर। अगर आपको मैं ध्यान से ऊपर दिखाऊं तो देखिए ऊपर सिनर्जिस्टिक हार्मोन की लाइन लगी हुई है, दे वर्क टूगेदर, एक साथ काम करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो एग्जाम्पल मैं पहले लिख दूं तो आपको शायद ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये देखिए थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन, ये सब लोग क्या कर रहे हैं, ये सब लोग ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं। थायरॉक्सिन ग्रोथ हार्मोन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं, इनको सिनर्जिस्टिक हार्मोन कहते हैं। और भी नाम है, जैसे देखिए एक नाम है हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन मतलब हुआ कि जो ब्लड के कैल्शियम बढ़े हुए कैल्शियम लेवल को घटा दे, तो हाइपोकैल्शियमिक लेवल हार्मोन मतलब ये हुआ कि ब्लड में बढ़े हुए कैल्शियम के लेवल को घटा दे, उसे हम लोग हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। अगर आपको इसका एग्जांपल लिखना है तो आप इसका एग्जांपल लिख लें, इसका एंटागोनिस्टिक क्या होगा इसे लिख लें। एक और लिख लें साथ में ही, हाइपरकैल्शियमिक हार्मोन मतलब जो ब्लड के कैल्शियम के लेवल को घटे हुए लेवल को बढ़ा दे, हाइपरकैल्शियमिक हार्मोन। ये नाम है जो आपको सीखने हैं, बिना इसके सीखे कल्याण नहीं है। तो कौन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, कौन है जो ब्लड के ग्लूकोज लेवल कैल्शियम लेवल सॉरी घटाता है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे। लेकिन अभी आप देख लें हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन मतलब एक हार्मोन है जिसका नाम पीटीएच है, ये देखिए पैराथायराइड हार्मोन, ये जो है ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है, इसीलिए इसको हम लोग हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन कहते हैं। और अगर हम लोग हाइपोकैल्शियमिक हार्मोन देखें तो ये हार्मोन है विटामिन डी थ्री है, विटामिन डी थ्री है। और एक हार्मोन और है थायरोकैल्सिटोनिन, ये लोग जो है ब्लड के कैल्शियम के लेवल को बढ़े हुए लेवल को घटाते हैं। तो विटामिन डी थ्री और थायरोकैल्सिटोनिन ब्लड के बढ़े हुए कैल्शियम को घटाते हैं, जबकि बैक हार्मोन जो है वो ब्लड के घटे हुए लेवल को बढ़ा देता है। इस तरह से आप देखिए ये टर्मिनोलॉजी है जो आपको इंडोक्राइनोलॉजी में बार बार मिलेंगी। फिर से आप समझ लीजिए ब्लड के ग्लूकोज लेवल को घटे हुए लेवल को जब बढ़ाया जाए तो उसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं, बढ़े हुए लेवल को घटाया जाए उसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। जो हार्मोन ऐसा कहते हैं उनके नाम के आगे लगा देंगे। डायबिटोजेनिक हार्मोन से कहेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं डायबिटोजेनिक हार्मोन किसे कहेंगे तो आप कहेंगे सर इसी हार्मोन को डायबिटोजेनिक हार्मोन कहेंगे। क्यों कहेंगे डायबिटोजेनिक हार्मोन, ऐसा इसलिए कहेंगे डायबिटोजेनिक हार्मोन क्योंकि डायबिटीज में ब्लड का ग्लूकोज लेवल हाई होता है और ये हार्मोन है जो ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा रहे हैं, इसलिए इन हार्मोन्स को डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। ये देखिए डायबिटोजेनिक हार्मोन कहते हैं। एक हार्मोन और होता है, ऐसे कहीं आप एक थोड़ा सा देख लें कहीं कहीं लिखा रहता है फिर बाद में दिक्कत होती है, थर्मोजेनिक हार्मोन।
आप एक डायलॉग्स में होता है जब हम आते हैं तो गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी काहे बढ़ जाती है? गर्मी इसलिए बढ़ जाती है कि बॉडी में एटीपी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। हम कौन है जो आते हैं? हम थायरॉक्सिन है। ठंडियों के समय में थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ता है और इसके कारण माइटोकांड्रिया की जो एक्टिविटी है बढ़ जाती है। माइटोकांड्रिया की जब एक्टिविटी बढ़ जाती है तो बॉडी का टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाता है। और इसमें आप याद करिए, अपने हाथ को आप यहाँ रख के ठंड बॉडी को गर्म करते हैं, अपने हाथ को गर्म करते हैं, तो उसमें किस हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है? सामने लिखा हुआ थायरॉक्सिन का। कहाँ से निकलता है? थायराइड ग्लैंड से। तो अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, आप एक साथ दो लोग साथ में खड़े हुए हैं, एक आदमी को पसीना हो रहा है, दूसरे को ही नहीं रहा है, तो जिसको पसीना हो रहा है उसमें किस बॉडी का टेम्परेचर जाहिर सी बात है ज्यादा है, तो कौन सा हार्मोन उसमें ज्यादा निकल रहा है? थायरॉक्सिन निकल रहा है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को थायरॉक्सिन ज्यादा निकलेगा तो उसको स्वेटिंग ज्यादा होगी। ये तो फायदा हो गया, स्वेटिंग होना कोई फायदा तो है नहीं, लेकिन लगातार जब उसको गर्मी होगी तो ऐसा व्यक्ति, जब व्यक्ति में एटीपी ज्यादा यूज होगी टेम्परेचर को रिलीज करने के चक्कर में, तो ऐसा व्यक्ति पतला हो जाएगा, कमजोर होगा, इरिटेटिव होगा। तो अगर आपको ऐसा हो रहा है तो आपको बैठ के सोचना चाहिए कि कहीं थायरॉक्सिन का हार्मोन ज्यादा तो नहीं है हमारी बॉडी में, जाके आपको थायरोकेयर में चेक कराना पड़ेगा मेरे दोस्त।